शिवपुरी जिले में शासन प्रशासन अलर्ट हो चुका है, जिसमें पोहरी चौराहा पर प्रशासन पूरे अमले के साथ रोको टोको अभियान चला रहा है, जिसमें जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन पर तत्काल चालानी कार्यवाही कर मास्क दिया जा रहा है, और जो लोग चालान नहीं दे रहे हैं उन लोगों को खुली जेल की सजा दी जा रही है, जिसमें उनको कुछ समय तक अंदर रख कर वापस छोड़ दिया जाएगा। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। इनको और भी कोई दंड दिया जाएगा, खुली जेल में पहुंचाकर किसी प्रकार का सुधारात्मक उपाय चल रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, आज जो चालानी कार्रवाई की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में आप? जैसा आप जानते हैं, कोरोना वायरस हमारे शिवपुरी जिले में 1 तारीख से लगातार केस बढ़ रहे हैं। कल भी हमारे यहाँ 12 केस निकल के आए थे। लोग बिल्कुल बेफिक्र हो गए हैं, किसी तरह मास्क डिस्टेंसिंग कोई किसी प्रकार का पालन नहीं कर रहे हैं, न उसके लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं मास्क लगाने के लिए, और कोरोना से जो बचाव है उसको सैनिटाइज और दोनों के लिए पूरी करनी है। तो उसके संदर्भ में आज चौराहे पर लगातार कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, कार्रवाई जिसमें अभी चालानी कार्रवाई हो रही है, और जो लोग अनावश्यक या मास्क नहीं पहन रहे हैं उनको हमने जहाँ तक बताया हुआ है, जो आप देख रहे हैं, और हम उनको जो है कुछ देर बैठा कर छोड़ ये आवश्यक है। आप सभी माध्यम से बताना चाहूँगा कि सब लोग मास्क का पालन करें, घर से बाहर निकल सकें, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और हर 2 घंटे में अपने हाथ को सैनिटाइज या साबुन से हाथ सर, अभी एक पुलिस कर्मी पर भी चालानी कार्रवाई की गई थी, क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? पुलिस कर्मी चालान पर मास्क पर इसलिए भेजा गया है क्योंकि वो मास्क नहीं लगाए थे, जिससे हमारे यहाँ के DI है चालानी सर। ये राज्य सरकार के आदेश पर कार्रवाई की जा रही है, ये ओवरऑल प्रोटोकॉल है कोरोना का, इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार या WHO जो भी गाइडलाइन है सब यही गाइडलाइन है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर में भी घर के बाहर भी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।